आप सभी का फिर से हमारे चैनल वो सिंपल में आज हम बाइक का रिव्यू देंगे। अगर आप बाइक लेने की सोच रहे हैं और आपने भी 1 लाख के बजट में सोचा है बाइक लेने का और सोच रहे हैं कौन सा बाइक लूँ, कन्फ्यूज़न है आपके माइंड में, तो आज मैं एक ऐसी बाइक का रिव्यू दूंगा जो कि मेरे सामने पड़ा हुआ है। मैंने परचेज किया हूँ कल 1,10,000 रुपये में। अगर आप बाइक लेने की सोच रहे हैं तो आज हम इसका फुल एंड फाइनल रिव्यू करेंगे और दिखाएंगे आपको क्या कुछ इसमें खास, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट, क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट, सारे चीज़ को डिस्कशन से आपको मैं बताऊँगा और पूरी चीज़ समझाऊँगा कि ये चीज़ आपको क्यों लेना चाहिए, बाइक में क्या अच्छी बात है, ये बात बाइक में मुझे क्या सबसे बेहतरीन बात लगी और ये बाइक जो है इसमें कुछ एक दो फॉल्ट भी है, उस फॉल्ट को मैं बताऊंगा कि आपको ये बाइक क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो सारा कुछ डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिल पाए। तो चलिए आते हैं हम बाइक की तरफ और दिखाते हैं आपको बाइक पूरा कि बाइक का मॉडल कैसा है और कैसा दिखता है अंदर से। तो आइए बाइक को रिव्यू देते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका मॉडल बाइक कैसा है, इसका टायर कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसके में क्या क्या कुछ मिलता है आपको खासियत। आइए बाइक तो सबसे पहले देखते हैं इसकी लुक के बारे में। अगर होंडा एक्स ब्लेड की लुक की बात करते हैं तो ये देखने में बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन लुक में बनाया गया है। पहले सबसे पहले अगर दिखाते आपको दोस्तों तो देखिए पहले लुक इसका होंडा एक्स ब्लेड का, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन लुक में बनाया। इसका जो हेडलाइट आप देख सकते हैं, हेडलाइट बहुत ही खूबसूरत है। लुक की अगर बात करें तो लुक देखने में बहुत ही अच्छा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आइए दोस्तों अब इसकी बात करते हैं अगर पार्ट्स की, तो पार्ट्स की अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो इसमें एक डिस्क मिलता है, फ्रंटल डिस्क मिलता है, जो कि पहले ABS में लॉन्च नहीं था। इसमें ABS जो कि 7 दिसंबर को लॉन्च हुआ है, तो ABS का फीचर्स मिलता है इस बाइक में, जो कि पहले नहीं था। नया लॉन्च होने पर इसमें ABS नहीं था, लेकिन फिलहाल अभी ABS मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आइए दोस्तों अब इसके देखते हैं हेडलाइट की। अगर हेडलाइट की बात करें तो इसमें LED लैंप मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा है, LED लैंप मिलता है यहाँ पे। और अगर इसकी बात करते हैं अगर इधर देखते हैं राइट साइड से, तो इसकी एक इंजन जो है, इंजन हॉर्नेट का ही इंजन मिलता है फिलहाल एक्स ब्लेड में, जो कि बहुत ही अच्छा हॉर्नेट का जो इंजन है, माइलेज उससे कहीं ज़्यादा इंजन में कॉम्प्रोमाइज़ करके बनाया गया है, जो कि बहुत ही अच्छे टेक्निक से बनाया गया है इंजन, जिसमें माइलेज हॉर्नेट से कुछ ज़्यादा मिलता है, जहाँ लगभग 50 का एवरेज माइलेज मिलता है। आइए दोस्तों अगर देखते हैं इसकी इंजन के बाद अगर हम इसे देखते हैं तो इसके बाद है इसमें पीछे की तरफ आते हैं तो इसमें एक ड्रम ब्रेक मिलता है, जो कि अगर आप अगर होंडा से परचेस भी करना चाहते हैं रियर में अगर डिस्क की, तो डिस्क नहीं मिलेगी, इसमें ड्रम ब्रेक ही है। अगर उसके बाद बात करते हैं तो एक सारी गार्ड यहाँ पर मिलता है आपको, जो कि होंडा की तरफ से ही मिलेगी, आपको बाहर से लगवाने की ज़रूरत नहीं है। पीछे की तरफ अगर बात करते हैं तो टी शेप का यहाँ पर लाइट आपको मिलता है, पीछे के साइड में एक नंबर प्लेट का यहाँ पर ऑप्शन है। इसमें अगर सस्पेंशन की बात किया जाए तो मोनो सस्पेंशन है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है, सिंगल ही सस्पेंशन लगाया गया है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है बैठने में। बाइक देखने में बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। अगर इसकी साइलेंसर की बात किया जाए तो डबल मोबल के साथ यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं जैसा कि ग्रिप भी इसकी बहुत खूबसूरत बनाई गई है और बहुत ही अट्रैक्टिव है ग्रिप का लुक। अगर इंजन की बात की, इंजन के पहले मैंने दोस्तों बताया था कि हॉर्नेट का सेम इंजन ही डाला गया है यहाँ पे, जो कि हॉर्नेट का ही इंजन है। यहाँ पे दोस्तों बताना चाहता हूँ कि लेग गार्ड का एक ऑप्शन नहीं है, जो कि बाहर से लगवाना अगर आप लगवाना चाहते हैं तो लेग गार्ड का एक ऑप्शन है एसेसरीज के रूप में, लेकिन आपको होंडा की तरफ से कुछ नहीं मिलती यहाँ पे, लेग गार्ड नहीं मिलेगी एसेसरीज में। और अगर दोस्तों बात करते हैं इसकी, तो दोस्तों अब आते हैं इसकी मीटर की तरफ। अगर मीटर की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे एक थ्रोटल रिस्पॉन्स का एक बहुत ही अच्छा दिया गया है यहाँ पे एस्केलेटर के साथ, यहाँ पे एक सबसे बड़ी फीचर दी गई है, जो कि यहाँ पे गियर इंडिकेटर भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं गियर इंडिकेटर यहाँ पे है, और एक स्पीड मीटर है उसके साथ यहाँ पे, उसके साथ यहाँ पे ऑयल के साथ यहाँ पे दो बटन दिया गया है, जो कि ट्रिप 1 ट्रिप 2 का है। और अगर इसमें बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एक सबसे बड़ी डिमेरिट दी गई है, जो है यहाँ पे इंजन किल स्विच का ऑप्शन नहीं दिया गया है, जो कि होंडा को देना चाहिए था इंजन किल स्विच का ऑप्शन। इसके बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ पे पार्किंग लाइट, जो कि हजार स्विच जिसे बोलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। इसमें यह होता है कि चारों इंडिकेटर आपके साथ एक बार में एक साथ चलेंगे, चारों इंडिकेटर देख सकते हैं, जो कि अदर बाइक्स में अभी तक फीचर्स नहीं है, फिलहाल ये नई बाइक्स में नहीं आती, यहाँ पे चारों इंडिकेटर एक साथ चलने का, इसे हजार स्विच कहते हैं। दोस्तों अगर इसके गियर की बात करते हैं तो गियर आप देख सकते हैं सिंगल गियर है, यहाँ पे सिंगल गियर आपको मिलता है, सिंगल गियर का ही ऑप्शन मिलता है। अगर इसकी टंकी की बात करें तो इसकी टोटल कैपेसिटी 12 लीटर का है टंकी इसका, और टंकी देखने में बहुत ही खूबसूरत, ऊपर से टैंक बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, जो देख सकते हैं।
होंडा की तरफ से जो सबसे बड़ी डिमेरिट आई यहाँ पे, एक जो अभी फ़िलहाल पीछे में रियर डिस्क का ऑप्शन इसमें नहीं है होंडा एक्स ब्लेड में, और अगर दूसरी डिमेरिट देखा जाए तो यहाँ पे इंजन किल स्विच का नहीं है, जो कि और सब पल्सर वगैरह महंगी गाड़ियों में होती है, जैसे पल्सर अपाची वगैरह में किल स्विच का ऑप्शन होता है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें डबल हॉर्न का एक ऑप्शन होता है, जो डबल हॉर्न के ऑप्शन की जगह पर यहाँ पे एक हज़ार्ड स्विच दिया गया है, जो कि चारों पार्किंग लाइट एक साथ जलेगी आपको। दोस्तों अगर आप इसे टूर गाइड के लिए अगर लेना चाहते हैं तो टूर गाइड के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है ये। इसमें अगर आप एडवेंचर किट के साथ भी एक्स ब्लेड यहाँ पे अवेलेबल है, जो बाहर से आप एसेसरीज वगैरह खरीद सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको अगर मिलता है तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें एक विंडशील मिलेगा जो कि बहुत ही लंबी होगी, अगर आप बाहर से खरीदना चाहते हो तो इसे मिल जाएगी। अगर दूसरी एसेसरीज की बात किया जाए तो यहाँ पर एक्सटेंशन जोड़ के इसमें और ये जो बैक है और इसको आप बड़ा कर सकते हैं। एडवेंचर अगर आप लगवाना चाहते हैं एडवेंचर किट के साथ, तो अगर यहाँ पे आपको एक इंजन कॉल भी आता है, जो कि अभी फ़िलहाल होंडा की तरफ नहीं, लेकिन अगर बाहर से आप लगवाना चाहते हैं, अगर मॉडिफाई करवाना चाहते हैं, इंजन किल स्विच जो कि हॉर्नेट का सेम ही है, एक्स ब्लेड में वही लगेगा, जो कि इंजन किल स्विच इंजन गार्ड यहाँ पर आपको मिलता है। अगर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर सारी गार्ड ये जो कि ऑप्शन है होंडा एक्स ब्लेड की तरफ से ही, होंडा की तरफ से आपको सारी गार्ड मिलती है, लेकिन यहाँ पे फुटरेज का ऑप्शन नहीं है। तो फुटरेज अगर आप बाहर से लगवाना चाहते हैं, सारी स्टेप जिसे बोलते हैं, तो बाहर से अभी अवेलेबल है, आप लगवा सकते हैं फुटरेज। कैसा लगा बाइक के बारे में जो कि होंडा एक्स ब्लेड है, इसके बारे में सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स वो मुझे दो ही सिर्फ देखने को मिले यहाँ पर, जो कि पहला इसमें किल स्विच आपको नहीं मिलता है, और दूसरा जो है आप पीछे के साइड में जो आप यहाँ पर ये टायर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको जो दिया गया है यहाँ पर आगे डिस्क ब्रेक ये नहीं मिलेगा। बाकी इसकी और फीचर्स की बात करें तो कुल मिला के सब कुछ ब्राइट है, बहुत ही शानदार बाइक है यहाँ पे 160 सीसी का ये, और माइलेज की बात करें तो बहुत ही अच्छा माइलेज है। तो क्या आप परचेज करना चाह रहे हैं इस बाइक को? अगर परचेज करना चाह रहे हैं वीडियो के कॉमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय जरूर दीजिएगा। नए मेहमानों से मेरे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए टेक्निकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए, टेक केयर, बाय बाय।